वाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई किसी को भी दमा की शिकायत है, यानी कि सांस चढ़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में दर्द रहता है, या फिर आपकी नाक के सांस लेने पर आवाज आती है, उसका एक छोटा सा उपाय आज मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाइव दर्शक सब्सक्राइब करें। शिकायत बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है और बूढ़ों को भी हो सकती है, लेकिन जो उपाय मैं बता रही हूँ वो सबके लिए यूजफुल है, इसे कोई भी कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रयोग को करने पर खटाई का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर किसी भी व्यक्ति को दमा की शिकायत है तो वो चल नहीं पाता है ज्यादा देर तक, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, वो वजन नहीं उठा पाता है और वो थोड़ी सी देर भी धूप में नहीं रह सकता, क्योंकि उसे सांस फूलने लगती है, वो किसी भी काम को करने में थकावट महसूस करता है। और ये बीमारी बच्चों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का बहुत ज्यादा लोड रहता है। उसके अलावा बच्चे सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, खेलते कूदते सही ढंग से नहीं है और कुछ भी उल्टा फुल्टा खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का पूरा जो रोटेशन है वो पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा शारीरिक बैलेंस उसका असंतुलित हो चुका है। ऐसे में बच्चों को सांस फूलने लगती है, बच्चे जल्दी से थक जाते हैं, बच्चों को दमा की शिकायत हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर को अगर हम दिखाते हैं तो डॉक्टर एक कैप्सूल होता है उसे सूंघने के लिए देते हैं, यानी कि इनहेलर का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, और वो इनहेलर जब आप लेते हैं तब आप बिल्कुल सही हो जाते हैं और वापस कुछ ही दिनों के बाद में ये समस्या बन जाती है। अगर आपके बच्चे के साथ में ये समस्या है तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए, ये 100% रिजल्ट देगा और आपका बच्चा बिल्कुल जड़ से उसका दमा ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि अपने बच्चे हो चाहे कोई भी हो, योग की तरफ बढ़े। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे या किसी भी बच्चे को शिकायत है और उसे अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करने को कहेंगे तो आप देखेंगे कि फेफड़ों संबंधी, श्वास संबंधी जितनी भी समस्या है बच्चे की बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा दिनों से भी अगर दमा से परेशान है तो आप बिल्कुल सही होने लगेंगे। कुछ ही समय के बाद में आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, आपको किसी भी प्रकार की थकावट महसूस नहीं होगी, आपकी सांस नहीं फूलेगी, आपके नाक में से सांस लेने से जो आवाज आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। कोई अगर दमा से परेशान है उसे कम से कम 15 मिनट से शुरू करना चाहिए अनुलोम विलोम, और फिर उसे आधे घंटे तक करना चाहिए। अगर कंटिन्यू इस चीज को चालू रखेंगे तो आप देखेंगे कि दमा की शिकायत बिल्कुल सही हो गई है, ये बिल्कुल 100% रिजल्ट। अब मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ जिसे करने के बाद भी जड़ से बिल्कुल दमा ठीक हो जाएगा। ये पीपल का नाम सबने सुना होगा, ये इस तरह की दिखाई देती है कुछ, और ये मार्केट में आपको राशन वाले की दुकान पर अच्छे से मिल जाएगी। ये आपको खरीदनी है, ये बिल्कुल कम प्राइस में बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। तो छोटे पीपल के नाम से आती है, ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए हमें इसे देने की खुराक जो होती है वो उसी हिसाब से देनी रहती है। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो भी उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि उसकी एज क्या है, अगर बड़ों को दे रहे हैं तो भी हमें देखना है कि वो किस तरह की बीमारी से ग्रसित है। तो अगर आप इस चीज से जानते नहीं है तो पहले इसकी जानकारी ले, उसी के बाद आप इसका प्रयोग करें। पीपल बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद होती है। अगर बच्चों को बुखार रहता है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, लेकिन इसको देने का अलग अलग तरीका होता है। आज जो मैं बता रही हूँ दमा के लिए है, इस प्रयोग को करने के बाद दमा में काफी आराम पहुंचेगा, आप देखेंगे कि आपको सांस की जितनी भी तकलीफ है वो सही होने लगी है, आपकी सांस फूलती है तो भी नहीं फूलेगी, आप बिल्कुल सही हो। लेना है इस तरह का छोटा सा पीपल, यानी कि आपको क्या करना है, अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो ये आधी लेनी है, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ये आपको एक लेनी है, और फिर इसको क्या कर लेना है, अच्छे से इसका चूर्ण तैयार कर लेना है, इसको पाउडर के रूप में बना लेना है, और फिर उसे आप थोड़ा सा तवे पर सेक लीजिए। उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा शहद मिक्स करेंगे, बच्चा जब रात को सोता है तब उसे आप वो चटा देंगे। ये क्रिया आपको 3 दिन तक कंटिन्यू करनी है, और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि कुछ चीजें होती है जिससे उसको परहेज करना है, जैसे कि आपको खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं देनी है, खट्टी चीजों में आपको बिल्कुल नींबू भी नहीं देना है, आपको दही छाछ भी नहीं देना है, अचार भी नहीं देना है, और आपको ऐसी कोई सी भी खट्टी चीजें या खट्टे फल है वो बच्चों को नहीं देना है। 3 दिन तक आप इसका उपाय अपना सकते हैं अगर आप दमा से पीड़ित है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।